रात का क्लास चल रहा था 29/11/1967 बुधवार को 7 पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी। आजकल तो बाहर की दुनिया में ढेर के ढेर ईश्वर कहलाने वाले हैं और फिर वो तुम्हारे लिए भी कहते हैं कि ये भी एक ईश्वर अपन को मानने वाले ब्रह्मा को भगवान बताते हैं। ब्रह्मा को क्या समझते हैं कि यही हमारा गीता का भगवान है, साकार भगवान है। नहीं तो है तो नहीं ना, मानते तो नहीं है ना बच्ची। अब माने या ना माने, जिसके लिए बोलते हैं ब्रह्मा के लिए, वो अपन को क्या समझता है, है? इस दुनिया में साकार भगवान अपन को समझता है या नहीं समझता है, है? कि किसी और को समझता है? नहीं। तो फिर देखो ये बनी क्या, बनी ये शूटिंग पीरियड में ये बनी अपन को भगवान बनाने वाली बात। जैसे व्यास ने बनाया, कुछ न कुछ झूठ बनाया ना, वैसे ये भी मुख से बनाते रहते हैं। कौन तुम सुनते हो कभी मुख से कि अपन को, ये तो कहते हो ये है बहुत जन्म के अंत के जन्म के भी अंत में प्रवेश करता हूं। तो ये बात मनुष्य नहीं समझ सकते हैं कि बहुत जन्म क्या, अरे बहुत जन्म 84 जन्म 84 का चक्र आया हुआ है और उस जन्म का भी अंत वानप्रस्थ अवस्था 60 साल। कहते हैं ना 60 तो लगी लाठ, कौन सी लाठ, ज्ञान की लाठी। तो ये मुरली तुम्हारी लाठी है ना, हा? तो ये 60 साल 84 जन्म का भी अंत और उस जन्म के भी अंत में प्रवेश करता हूं। माना ऐसे नहीं कि 84 जन्म का 60 साल हुआ तब ही, नहीं, उसका भी अंत, कितना अंत, उसमें भी ज्यादा से ज्यादा 100 साल तो आयु हो जाती है ना कोई कोई की कलयुग में, नहीं, हाँ हो जाती है। और फिर शास्त्रों में तो ब्रह्मा की आयु कितनी गई हुई, 100 साल, तो वो 60 साल में 40 साल वो और जोड़ दो, तो 40 साल पूरे हुए तो 100 साल पूरे हो जाते हैं ना। तो फिर 1936 में कहें 37 में है कि 60 साल हुए थे और वानप्रस्थ अवस्था में मैंने प्रवेश किया था, फिर उसके उसके भी अंत क्या कहें, 40 साल जोड़े तो 100 साल पूरे हुए, माने 1976 आया, कितना आया 1976। तो बताया उसके भी अंत के भी अंत में प्रवेश करता हूं। तो ये मनुष्य नहीं समझ सकते हैं ये बात की गहराई को। तो अगर नहीं समझ सकते हैं
तो तुम लिख दियो। फिर उनकी है उनके ऊपर है कि वो भी लिखा हुआ है। श्री कृष्ण के जो ये है ना उसमें लिखा है बहुत जन्म के अंत के जन्म के अंत में भी मैं प्रवेश करके फिर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूं। हा ब्रह्मा नाम क्यों रखता हूं? वो परम पुरुष है ना सुप्रीम सोल, तो जो परम पुरुष है उसको परमात्मा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जिस पुरुष तन में प्रवेश करते हैं तो काम निकालने के लिए नाम ब्रह्मा दे देते हैं। अब ये लिखा भी तो हुआ है ना, तो बच्चे जब वो कहते हैं ब्रह्मा भगवान, प्रश्नात्मक रूप में बोलते हैं ब्रह्मा भगवान, अरे बोलो ये देखो पढ़ो ना इसमें क्या लिखा है। अच्छा अच्छा लिखा तो को छोड़ो, चलो भला झाड़ के ऊपर आ जाओ। क्या ये लक्ष्मी नारायण का चित्र? छोड़ो कहां आ जाओ, झाड़ के ऊपर आ जाओ। देखो ये षष्ठी रूपी वृक्ष है, तो जो ऊपर में है, दिखाते हैं ना क्या किसकी जड़ें ऊपर फैली हुई हैं, शाखाएं नीचे हैं, अधोमुखी शाखाएं। तो अब देखो इसे झाड़ के पिछाड़ी में देखो, जहां कलयुग है ना है, तहां पिछाड़ी में खड़ा है एकदम आखिर में है। देखो कलयुग में नहीं खड़ा हुआ है, अरे कलयुग पिछाड़ी का युग है कि आदाड़ी या मध्य का युग है? पिछाड़ी का युग है ना। तो देखो पीछे यहां झाड़ में बैठे बैठे जड़ में तपस्या कर रहे, तो जरूर पतित है। तपस्या कौन करेगा? पाप किए होंगे तो उन पापों से हरण होने के लिए तप करते हैं, तो जरूर पतित हुए हैं। ऊपर में पिछाड़ी में तमो प्रधान, सो सतो प्रधान बनने के लिए भैया योग सीख रहे हैं। ये भारत का राजयोग तो प्रसिद्ध है ना, है तो अभी है ना, ये चित्रों में सब लिखा हुआ तो है ना, तो ये चित्रों में उनको ये समझाना चाहिए, परंतु नहीं, बस ये जो सुनी सुनाई बातें शास्त्रों की उनमें ही चले आते हैं। तो देखो ये भारत में सुनी सुनाई के ऊपर है, ये तो तुम जानते हो कि सतयुग से लेकर के त्रेता तक तुमको बाप ने क्या दिया? ज्ञान दिया। सतयुग त्रेता तक ज्ञान दिया कि सतयुग त्रेता की शूटिंग तक ज्ञान दिया? सतयुग त्रेता की शूटिंग तक ज्ञान दिया है, प्रैक्टिकल साकार में दिया है, दिया हाँ, और प्रवृत्ति में रह करके दिया या निवृत्ति में रहकर दिया? प्रवृत्ति में रहकर दिया
तो जिसके कारण तुम आधा कल्प तो है, उसे ज्ञान के प्रभाव से जो शूटिंग पीरियड में तुमने लिया, तुम आधा कल्प स्वर्ग में सुखी दुनिया में, बाकी तो फिर ये दोखो होती है नई सुनी सुनाई। क्या सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई? किसी की सुनी सुनाई बातों से? जो भी ये धर्म पिताएं आए ना है, द्वैतवाद फैलाने वाले है, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो कुल मत हैं, तो उनकी सुनी सुनाई बातों से, उन सुनी सुनाई बातों के कारण तो देखो मनुष्य इतना वो बैठ करके रावण बनाया है, है? शास्त्रों की सुनी सुनाई बात पर रहिए, रावण बनाया ना, इतना बड़ा बनाई दिया, और पीछे देखो कितने शास्त्र बनाए हैं, रावण के हाथ में शास्त्र देते हैं ना, और सभी फालतू। अब है तो ना कोई भी है, अब ये कलयुग का है अंत, बाप बैठ करके समझाते हैं, है क्या समझाते हैं कि मैं कलयुग के अंत में आकर के है सत्यु की सत्यु रूपी सवेरे की आदि करता हूं, झूठ गंध खलास करके है? अरे गीता में क्या लिखा हुआ, धर्म संस्थापनार्थाय विनाशाय च दुष्कृतम्, तो दुष्ट कर्मों का युग कौन सा है? कलयुग। तो कलयुग के अंत में आकर के बैठ के समझाते हैं। अच्छा भागवत निकालो, गीता भी निकालो, ये भी निकालो है, तो तुम ये शास्त्र निकालेंगे ना, दूसरा तो इन शास्त्रों की बातों को कोई नहीं समझेगा है। कहां है ये आकासुर बकासुर फकासुर है, ये शिकलों वाला किस्म किस्म का अनेक प्रकार का, या कृष्ण बैठ करके चक्कर घुमाते हैं है, क्या दिखाया ना सुदर्शन चक्कर हा? और फिर उससे क्या करते हैं, चक्कर से गले काटते हैं, हिंसा करते हैं, तो ये सब बातें बच्चों को समझ में आती है ना, क्या कि स्व माने आत्मा, दर्शन माने आत्मा के 84 के चक्र को देखना, दर्शन माने देखना, उसको बार बार बुद्धि में घुमाना 84 के चक्र को, इसको कहते हैं सुदर्शन चक्र। ये तो बच्चों की बुद्धि में आता है ना, और जब अपनी आत्मा का है साक्षात्कार हो जाता है ना सुदर्शन चक्र से, तो अपने पार्ट का तो मालूम पड़ जाता है तुम बच्चों को कि हमारा पार्ट तो है, और धर्मों के मुकाबले या जो उन धर्मों में कन्वर्ट होते हैं उनके मुकाबले अच्छा है या खराब है, है? तुमको तो पता चल जाता है कि तुम बच्चों का तो पार्ट है, जन्म जन्मांतर का सुख का कितना पार्ट है, क्योंकि और धर्म वाले तो आधा हिस्सा सुख इस दुनिया में, आधा हिस्सा दुख भोगते हैं, और तुम तीन हिस्सा सुख और है एक हिस्सा दुख भोगते हो, उसमें भी नंबर वार। कोई कोई तो ऐसे भी बच्चे हैं है निराले थोड़े होंगे ना, जो 82-83 जन्म तक भी सुख में रहते हैं, तो तुम बच्चों को तो समझ में आता है कि ये सुदर्शन चक्र क्या है, तो तुम अपने चक्र की बात है, जब
सही साबूती करके बताते हो ना, प्रूफ प्रमाण पूर्वक, तो फिर वो उनकी आंखें खुलती, अरे ये तो बहुत ऊंचे हैं और इनके मुकाबले तो हम तो बहुत बहुत नीचे है। तो उनका गला कटता है कि नहीं है, है? शरण उठा के बात करेंगे या झुकेंगे? झुकेंगे ना, तो झुकेंगे माना सर नीचे गिरा। हाँ, तो ये बात तुम्हारी समझ में आती है कि कौन सा अरे सुदर्शन चक्र घुमाया है और गला दूसरों का असुरों का गला काट दिया। तो देखो अब जो शास्त्रों में है सीधी सीधी बातें लिखी हैं, उनको सीधा सीधा समझ लिया, ऐसी ये झूठी बातें तो है नहीं है। ये भक्ति मार्ग में सभी झूठ है, है उसके यथार्थ अर्थ को बाप आकर समझाते हैं। अभी कृष्ण है, अब कृष्ण को तो कोई हिंसक नहीं कहेगा ना, है जिसे कृष्ण की मंदिर में बच्चे के रूप में पूजा करते हैं वो कृष्ण बच्चा किसी की हिंसा करेगा क्या? है तो जो हिंसा नहीं करता है उसकी पूजा करते हैं। और बड़े रूप में जो कृष्ण दिखाया है महाभारत युद्ध में तो उसकी पूजा करते हैं नहीं करते? तो बड़े होने का मतलब क्या है? बड़े होने का मतलब कि वो आत्मा जो 16 कला संपूर्ण सत्युग में थी, वही आत्मा जन्म लेते लेते है कलयुग में आकर, कलयुग के आदि में माने द्वापर के अंत में आकर के बड़ी तो बनेगी ना, है उसमें अनुभव तो आएगा ना, इसे दुनिया का जन्म जन्मांतर का आता है। तो उस बड़े कृष्ण को हिंसक के रूप में दिखाई दिया है। अब तुम तो समझते हो कि भगवान हिंसा करेगा क्या? आजकल के जो ऋषि मुनि विद्वान हैं या सन्यासी हैं वो प्रवचन करते हैं तो हिंसा करना सिखाते हैं क्या? अरे वो भी हिंसा करना नहीं सिखाते, तो भगवान इतनी ऊंची हस्ती है जो दाढ़ी मूंछ वाले ऋषि मुनियों से भी है ऊंचे देवताएं, और उन देवताओं को भी बनाने वाला भगवान मनुष्य से नर से नारायण बनाने वाला, तो वो हिंसा करना सिखाएगा क्या? हो नहीं सकता। कोई भी नहीं कहेगा कि भगवान हिंसा करता है, ये सब झूठ है। क्योंकि गाया जाता है ना, क्या गाया जाता है? अहिंसा देवी देवता परमो धर्म, देवताओं का परम धर्म क्या है? अहिंसा परम धर्म कहा जाता है ना। ऊंचे से ऊंचा धर्म क्या है? कोई की मन से वचन से कर्म से है कोई भी इंद्रियों से हिंसा नहीं करनी, उसको कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, कहते हैं ना है? तो अभी अहिंसा सो हिंसक कैसे बनेंगे है? समझ में आया कैसे बनेंगे? अरे भगवान ने आकर के अहिंसक बनाया, सत्युग त्रेता रामकृष्ण की दुनिया में स्वर्ग में अहिंसक देवताएं बने, और फिर द्वैतवादी द्वापर युग में जो दूसरा दूसरा धर्म दूसरा दूसरा राज्य दूसरा दूसरी भाषाएं है दूसरा मत है बनाने चलाने वाले, उनके संग के रंग में वो देवात्माएं आई। कौन सी देवात्माएं? वो ही कच्ची कच्ची देवात्माएं जिन्होंने है जिन्होंने भगवान आया था विष्णु का राज्य स्थापन किया था है विष्णुवंशी बने थे और कैसा सुख भोगा था? अति इंद्रिय सुख भोगा था, उसको तो वो जानते ही नहीं। तो जो अधोमुखी ब्रह्मा ने सिखाया ना, अधोमुखी ब्रह्मा की जो औलाद बने ना फॉलोअर, तो अधोमुखी ब्रह्मा 16 कला संपूर्ण बनता है
कि कलातीत बनता है। बस उसके नीचे जितने भी आए वो सब हिंसक धर्मों में कन्वर्ट हो गए। तो अभी समझ में आया, जो अहिंसा देवी देवता परमो धर्मा थे वो कैसे हिंसक बने। एक ऊंचे से ऊंचे भगवंत के संग के रंग में आने से अहिंसक देवी देवता बनते हैं, और अनेक देहधारी अहंकारी धर्म पिताओं के संग के रंग में आने से क्या बने, हिंसक बने। सो भी बिचारा वो बालक कृष्ण बिचारा एब्सोल्युटली सतो प्रधान, अरे जिसकी मंदिर में तुम पूजा करते हो, मंदिर में बच्चा कृष्ण की रेवड़ियां पहन रहा है ना, उसकी पूजा करते हो ना, वो हिंसा करेगा, अरे कैसे कर सकते हैं। तो देखो मनुष्यों में कोई समझ है तभी बाप आकर के कहते हैं ये कितने बेसमझ बन गए हैं। किसने बनाया, बुद्धिमानों की बुद्धि कौन है, बुद्धिमानों की बुद्धि तो भगवान है, ऊंचे से ऊंचा भगवंत है, हेवनली गॉड फादर है, वो बुद्धिमान बनाते हैं और मनुष्य गुरु आकर क्या बना देते हैं है? ये ऋषि मुनि सन्यासी जो आते हैं द्वैतवादी द्वापर युग से शास्त्र लिखते हैं तो ये क्या बना देते हैं, समझदार ये बेसमझ, बेसमझ बना देते है। तो देखो सालों साल हजारों साल ढाई हजार साल से समझाते समझाते कितने बेसमझ बन गए, और उनको समझाते रहते हैं इतना बहुत ढेर सारा शास्त्रों में कितना लिखा हुआ है और कितने शास्त्र हैं और सिर्फ भारतवासियों के ही नहीं विदेशियों के भी तो है ना, बाइबल है कुरान है धम्मपद है और ये गुरु ग्रंथ साहब है इनको सुनाते रहते हैं और समझाते रहते हैं। तो इतना बहुत समझाते, तो अब समझ में आया कि समझदार कौन बनाते हैं, कौन बनाते हैं, बुद्धिमानों की बुद्धि जो एक ऊंचे से ऊंचा भगवंत है वो बुद्धि देते हैं सद्बुद्धि, और मनुष्य गुरु देह अभिमानी क्या देते हैं दुर्बुद्धि देते हैं दुष्ट बुद्धि, उस दुष्ट बुद्धि से खुद भी हिंसा करते और दूसरों को भी हिंसा करना सिखाते। तो देखो जो समझदार बनते हैं और बनाने वाला बनाते हैं इनमें एकदम समझदार, इनमें भी नंबरवार होंगे हैं कि एक जैसे होंगे, कोई एकदम 100% बनेगा या नहीं, हाँ एकदम समझदार, जो एकदम शिव बाबा का समझ करके फट से शिव बाबा का बन जाता क्या, और किसी भी देहधारी धर्मगुरु का नहीं बनता, भले ब्रह्मा के मुख से सुनी हुई बातों को सुनता, ब्रह्मा कुमारियों कुमारियों के द्वारा सुनता, दीदी दादी दादाओं के द्वारा सुनता, लेकिन उनके प्रभाव में आता है, आता है, यह सिर्फ एक शिव बाबा का बनता है, एक शिव बाबा का बनता है, और देहधारी धर्मगुरु दीदी दादी दादाओं को भी क्या सुनाता है, शिव बाबा की बात सुनाता है क्या, अरे शिव बाबा कहते हैं कि मैं आता हूं तो मैं जो कथा सुनाता हूं सच्ची सत्यनारायण की या अमर कथा सुनाता हूं तो उसमें जो तोते होते हैं ना कंठी वाले ज्ञान की कंठी वाले वो तो थोड़े समय सुनते हैं है? कि वहां बैठ जाते हैं माउंट आबू में, नहीं कबूतरों की तरह है, यादगार मंदिर है ना शिव बाबा का,
तो उसमें कबूतर बहुत रहते हैं, क्या करते हैं है? ऊपर से है बीच करते हैं और एकदम शिवलिंग के ऊपर गिर दिया करके ये धंधा करते रहते हैं है? ये विकारों की लैटरिन सर के ऊपर ही भगवान के करते रहते हैं। तो बताते हैं साफ साफ क्या कि जो तोते होते हैं वो वहां रहते नहीं है मंदिर में, थोड़ा समय आया कथा सुनी और चारों तरफ टियो 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 चारों तरफ सुनाई थी दुनिया में वो कथा सच्ची सत्यनारायण की फैलाई थी। और कबूतर क्या करते हैं, कबूतर बस गंध करते हैं। तो देखो ऐसे तोते तो एकदम शिव बाबा के बन जाते सब कुछ सब, जबकि आपका हम सब ले लेते हैं, किसका आपका ऊंचे ते ऊंचे भगवंत शिव बाप का हेवनली गॉड फादर का सब कुछ ले ले, क्या ले लेते हैं सब कुछ, अरे अखूट ज्ञान का जो भंडारी है उसका अखूट ज्ञान ले लेते हैं तो सब कुछ ले लिया ना, उसके पास कुछ और है देने के लिए सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं, अखूट ज्ञान का भंडार सारा का सारा दे देते हैं और विश्व का मालिक बना दे देते हैं कि नहीं, कि ज्ञान का भंडार ही दे देते हैं है? अरे उस ज्ञान के भंडार से तुम विश्व की बादशाही पा लेते हो, विश्व के मालिक बना पा लेते हो, तो फिर हम सब अपना क्यों नहीं लेवे, क्या अपना हा? अरे शास्त्रों में भी लिखा है रिते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के तो मुक्ति भी नहीं होती, क्या मुक्ति होगी बिना ज्ञान के, नहीं होती। तो बताया ज्ञान ही ऊंची चीज हुई या ज्ञान से कुछ और ऊंची चीज हुई, हा वो गीता में भी तो लिखा हुआ है हा? सबसे पवित्र चीज क्या है दुनिया में है? ज्ञान ही सबसे पवित्र चीज है। तो फिर हम अपना जो भी है आत्मा का है क्या वर्षा है ऊंचते ऊंच बाप, बापों का बाप जिसका कोई बाप नहीं होता एवरलास्टिंग बाप, उससे ऊंचे ते ऊंचे अपना अखूट ज्ञान का भंडार का वर्षा क्यों नहीं ले लेवे, समझा ना। तो ये सब होता है ना बच्चे है, देखो जब भी कोई मरता है ना है तो ब्राह्मण होते हैं कौन करिणी घोर ब्राह्मण है, क्या करते हैं है जो करिणी घोर ब्राह्मण होते हैं वो मरने वाले का सब कुछ पुराना दुराना ले लेते हैं कि नहीं ले लेते हैं फिर उनको कोई मिलकी है तो थोड़ी ही मिल जाती है, जो मरने वाला था वो अपनी सारी मिलकियत दे जाता है, सारी जिंदगी की कमाई हुई नहीं, सारी मिलकियत थोड़ी दे देता है नहीं, उनको क्या देते हैं है? उनको कोई पुराना धुराना मंझा चारपाई पुराना बिस्तरा पुराने कपड़े ये सभी चीजें दे देते हैं। ये मिसाल क्यों दिया अरे ये मिसाल क्यों दिया, हे पुरुषोत्तम संगम की दुनिया से टैली करना चाहिए ना है, तो जो फालतू चीजें हैं पुरानी दुरानी वो सब दे देते हैं है। घिसी पिटी यूज की हुई, और जो असली चीज है प्रॉपर्टी वो अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। तो ऐसे यहां बाप है क्या करते हैं है, वो जो नीच कोटि के ब्राह्मण होते हैं ना करण घोर ब्राह्मण है, जो स्नान करने बाद में आते रहते हैं भक्ति मार्ग में, तो
उनको ये पुरानी दुरानी चीजें मिलती हैं, वो दे देते हैं। बाकी सब अपने पास ही रख देते हैं ना, अपने पास माने अपने बच्चों के पास। तो अब समझ में आया, बाप के अपने बच्चे कौन हुए? इस सृष्टि रूपी झाड़ में है अपने बच्चे कौन हुए? जो ढेर की ढेर दूसरे धर्मों की डालियां हैं, और जो तना है, जहां एक धर्म एक राज्य होता है, स्वर्ग में तो एक धर्म एक राज्य होता है ना, एक भाषा होती है, एक ही कुल एक ही मत होती है। तो वो जो प्राप्ति करते हैं वो बाद वाली प्राप्ति है, करने घोर ब्राह्मणों जैसी, या वो फर्स्ट क्लास प्राप्ति है जो बाप देते हैं तुम बच्चों को है? क्या देते हैं है? क्या देते हैं? हाँ, अति इंद्रिय सुख वाली ऊंचते ऊंच चीज देते हैं। जो मन बुद्धि से सुख भोगा जाता है ना, वो वाइब्रेशन की चीज है ना, वो सबसे ऊंची चीज है। उस वाइब्रेशन को जो कंट्रोल करना सीखते हैं, मन बुद्धि को कंट्रोल करना सीखते हैं, वो तुम बच्चे बीज रूप आत्माएं हो। क्या वो हैं? जड़ों वाले, जड़ों में ज्यादा ताकत, ये बीजों में ज्यादा ताकत है? बीज में ज्यादा ताकत और जड़ों में? जड़ों में बीज जैसी ताकत थोड़ी होगी हा? और जड़ों से भी क्या निकलती है हा? तना निकलता है, डाल डालियां निकलती हैं। तो उनमें ताकत कम होती जाएगी या उतनी रहेगी या बढ़ेगी? कम ही होती जाएगी ना, पीढ़ी दर पीढ़ी। अरे पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी बच्चे पैदा होते हैं, कमजोर पैदा होते हैं या पावरफुल रहते हैं? तन से, मन से, धन से कैसे रहते हैं? कमजोर। अरे बीज ही देख लो, दुनिया के जो स्थूल बीज हैं, कोई भी बीज को बार बार बो है तो उसकी क्वालिटी गिरती जाएगी या ज्यों की त्यों बनी रहेगी या ऊंची उठेगी है? एक बीज को दोबारा तिबारा चौबारा बोएंगे तो उसका जो फल निकलेगा वो कमजोर से कमजोर निकलेगा। पौधा भी कमजोर और फल भी कमजोर। तो समझे ना? अच्छा अच्छा अपने बच्चों के पास रख देते हैं, क्योंकि बाप आत्मा है ना, बीज रूप है ना, आत्मा बीज है कि नहीं, ये शरीर रूपी वृक्ष का। तो बीज के जो बीज रूप बच्चे बनते हैं, आत्मा बनते हैं है? देवान को छोड़ने का पुरुषार्थ करते हैं, नंबर वार तो हैं, तो उन बीज रूप आत्माओं को मैं सारा वर्षा सारी मुल्कियत दे देता हूं, और जो बची घुची है वो सब बाद में 16 कला संपूर्ण जो देवताएं बने हैं, या कम कलाओं के देवताएं बने हैं, या फिर वो और नीचे जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते हैं या कन्वर्ट नहीं होते हैं, अपने धर्म के पक्के रहते हैं विधर्मियों में, वो बने, उनको फिर क्या देते हैं? पुराना धुराना बचा बचाया यूज किया हुआ दे देते हैं या नया नया दे देंगे? हाँ, यूज किया हुआ दे देते। तो यहां भी ऐसे ही करते हैं, जैसे दुनिया में करनी घोर ब्राह्मणों को पुराना धुराना दे देते हैं, ऐसे यहां भी करते हैं। क्या करते हैं? जो अव्वल नंबर के फर्स्ट क्लास नौकुरियों के ब्राह्मणों में से सूर्यवंशी ब्राह्मण, तुम असल सूर्यवंशी जो बच्चे बनते हो, उनको अति इंद्रिय सुख की ऊंचे ते ऊंची बादशाही, सारे विश्व को कंट्रोल करने वाली वाइब्रेशन से तुम सारे विश्व को कंट्रोल करते हो ना है? वाइब्रेशन माने योग बल। क्या कहे का योग बल? मन बुद्धि का। हाँ, तुमने मन बुद्धि को एक बाप में लगाया है, कितना लगाया है? मन बुद्धि लगाई। तो मन बुद्धि का जो योग है, जिसे कहते हैं है
कौन सी? वशीभूत कर लेते, वशीकरण मंत्र, वो तुम सीख जाते हो। तो उससे सारी दुनिया की कोई भी धर्म की मनुष्य आत्माओं को तुम कंट्रोल कर लेते हो। तो ये शिव बाबा को है, ये जो कम प्राप्ति करने वाले नीच कोटि के जो ब्राह्मण हैं, वो सब कुछ सरेंडर नहीं करते हैं, करते हैं तन मन धन समय संपर्क और संबंधियों की सारी पावर अर्पण करते हैं, नहीं करते हैं, सब कुछ अर्पण नहीं करते। तो उनको क्या करेंगे तब? वो अर्पण नहीं करेंगे तो बाप भी अपना सब अकूट ज्ञान का भंडार सारा अर्पण करेंगे? नहीं करेंगे। उनको कोई बिचारे को 5 पैसा देंगे, कोई को 10 पैसा देंगे। हाँ, कहते हैं हम कुछ न कुछ शिव बाबा के भंडारे में डालते हैं। क्यों भंडारे में सब क्यों नहीं डाल देते हो? कुछ न कुछ क्यों डालते हो? अरे सारी ताकत, सारा तन मन धन समय संपर्क संबंध संबंधियों संपर्कियों की ताकत लगाना चाहिए ना, सब कुछ डाल दो ना, क्यों नहीं डालते हो? क्योंकि जिसने जो ये पहले नंबर में जाता है ना, कौन है वो पहले नंबर में जाता है तो भंडारे में है वो सब कुछ अपना डालता है, है? कौन सा, क्या सब कुछ? तन मन धन, मन की पावर भी और बुद्धि की पावर भी सारी, सब कुछ शिव बाबा के भंडारे में डालता है तो तुम क्यों नहीं डालते हो? क्यों नहीं डालते? क्योंकि देह अभिमानी धर्म गुरुओं के प्रभाव में रहते हैं। जो बाप ऊंचते ऊंचा आता है कूट ज्ञान का भंडार देने, उसके प्रभाव में रहते हैं, उसके पूरे प्रभाव में नहीं, कभी रहते हैं कभी नहीं रहते, कभी दूसरों की पढ़ाई पढ़ने लग पड़ते हैं। तो बोला जो सब कुछ अर्पण कर देते हैं वो क्या भोग भरते हैं? हा? अरे ये बच्चे भूख मरते हैं क्या? नहीं, ये तो भूख मरते ही नहीं है। और वो तो उनके कुरान में भी लिखा हुआ है मुसलमानों के, क्या खुदा के बंदे कयामत के समय में बड़े मौज में रहेंगे, भूख मरेंगे क्या? सवाल ही पैदा नहीं। परंतु नहीं, ड्रामा में ये भूख मरने का ऐसा उनका पार्ट नहीं है, है। और जो सब कुछ भंडारे में नहीं डालते हैं तो सब कोई ऐसे भंडारे में डालें, वो सबका पार्ट है, वो सबका पार्ट हो ही नहीं सकता। नहीं, ये अबलाएं हैं, कुबजाएं हैं, कन्याएं, माताएं, भीलनियां, ये देखो एकदम तीखी चली जाती है, बांधेलियां है, क्योंकि अबलाएं घूसे भी खाती है ना, पिटाई पिटती है। और ये यहां ही सबसे जास्ती खाती है, है? मार भी यही खाती है, किस लिए? इसीलिए कि वो तन से मन से धन से किसकी बनती है? एक एक बाप की बनती है, दूसरों से संसर्ग संपर्क संबंध में है नहीं आती। तो मार में बिचारी यही खाती है, किसके लिए है? अरे विख न देने के लिए
मार खाते। अरे तो बाबा कहते हैं बच्चे, और गीता में भी तो लिखा हुआ है, क्या उन शास्त्रवादियों ने जो गीता लिखी है उसमें भी क्या लिखा, ताम महाशत्रु बोला भी नहीं। तो बाबा भी कहते हैं ये काम महाशत्रु है बच्चे। कामेश भई क्रोधेश, क्या उनकी कामना पूरी नहीं होती है काम विकार की, तो फिर क्रोध में आकर के मारपीट करते हैं, हिंसा करते हैं। काम की आशा पूरी नहीं होगी तो उनको क्रोध आएगा। जैसे ये विधर्मी आए इस भारत में है, और विधर्मियों के प्रभाव में आने वाले जो कन्वर्टेड हिंदू हुए उनका साथ दिया, हिंसक बने और बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर के भारत में आए है और आक्रमण किए, तो जिन बौद्धियों ने अपने बीवी बाल बच्चे तन मन धन उनको दे दिया तो उनसे तो खुश हो गए, और जिन्होंने नहीं दिया उनके गांव के गांव जला दिए कि नहीं, हाँ जला दिए। तो काम की आस उनकी पूरी नहीं होती है क्या, अरे अपनी बीवी बाल बच्चे हमको दे दो, हमें काम की आस है, हमारी बहुत बढ़ रही है, तो नहीं पूरी की तो फिर गुस्से में आकर के ऐसे ऐसे जघन्य हिंसक काम करती, क्रोध आएगा है। तो जिनके ऊपर क्रोध आएगा, काम की आस जिनसे पूरी नहीं होगी उनको मारेंगे, हिंसा करेंगे है। अभी सबके लिए तो बाबा नहीं कहेंगे ना है, सबको ही ऐसा करेंगे नहीं, जो बाबा के असल सत्य सनातन देवी देवता धर्म के पक्के बच्चे हैं सूर्यवंशी, वो तो कन्वर्ट होते ही नहीं, क्या सर कटा सकते हैं लेकिन विधर्मियों के सामने सर झुका सकते ही नहीं। तो ऐसे बच्चे उनके लिए थोड़े ही कहेंगे ऐसे, वो तो बताते हैं सब कुछ कि कैसे ये होता है, ये सब होता है और होता है कलप पहले मुआफिक। जो कभी कोई लिख देती है बच्ची, अरे बाबा काम विकार के कारण मैं बहुत मार खाती हूं, अरे मेरी हड्डी हड्डी तोड़ दी है, नस नस दर्द कर रही है, फलाना हुआ ढिकाना हुआ, तो मैं लिख देता हूं है, क्या लिख देता हूं, ये तुम्हारा पार्ट ड्रामा में था क्या, पिटाई पिटने का, क्यों तुमने भी पूर्व जन्म में आया है कुछ ऐसा किया होगा ना है, हिंसकों के प्रभाव में आकर के तुमने भी कुछ ऐसा किया होगा तो तुमको भी है उसका अधूरा इस आखिरी जन्म में मिलेगा कि नहीं, मिलता है तो तुम्हारा पार्ट, सो भी वाह है, क्यों कि तुमने जब ऐसा हिंसा का पार्ट बजाया था तो जिनके ऊपर तुमने हिंसा की थी उन विधर्मियों के प्रभाव में आकर के है, तो वहां तो तुम्हारा रक्षक कोई नहीं था, भगवान आया था वहां क्या नहीं, और अभी तो तुम्हारी रक्षा करने के लिए भगवान आया हुआ है, तो क्या हर्जा है, एक जन्म के लिए अगर तुमको बैठ करके है दस्ता बैठ कर सीखे तो भी कुछ भी नहीं है हा। अरे तुम आधा कल्प के लिए भी विश्व के मालिक बनते हो है, वो तो तुम बनेंगे ही ना, क्या अरे कितना भी कम पुरुषार्थ करेंगे नंबर वार में से तो भी, ये तो पक्का है, क्या क्या पक्का है कि 2500 साल के लिए सत्युग त्रेता में रामकृष्ण की दुनिया में तुम मालिक तो बनेंगे ना दुनिया के, हाँ यथा राजा तथा प्रजा होंगे, राजा वहां जैसे अपने बच्चों को प्यार करता है, जो खिलाता है पिलाता है पहनाता है
है, मकानों में रखता है, ऐसे ही प्रजा को भी प्यार करता है कि नहीं करता है। आज की दुनिया की तरह थोड़े ही है, आज की दुनिया की जो प्रजातंत्र के राजाएं हैं ऐसा करते हैं, यथा राजा तथा प्रजा, नहीं। तो देखो जब वो मरता रहेगा, हाय राम हाय राम हाय राम शिव बाबा को याद करती रहेगी ना, तो पहले नंबर में तो वो मार खाने वाली क्या बाबा के पास आएगी, पहले नंबर में। किसका मिसाल दिया है? अरे कोई बच्ची थी यज्ञ में जालंधर में, क्या एक ऐसी बच्ची थी जिसको उसके पति ने गड़ासे से सर उड़ाई दिया, मार डाला है। मरते मरते बच्ची मर गई लेकिन विकारी नहीं बनी। तो देखो वो बच्ची बाबा ने कहा बहुत ऊंचे नंबर में जाएगी, पहले नंबर में आएगी या नहीं? हाँ, कौन सा पहला नंबर होता है? पहले नंबर में ऊंचा पद क्या होता है? लक्ष्मी नारायण तो ढेर बनते हैं, लक्ष्मी नारायण ऐसी बात लिखेंगे है। हाँ, अरे आदि लक्ष्मी नारायण जो विश्व के मालिक बनते हैं, जगत पिता, सारे जगत के विश्व पिता बनते हैं, विश्व के मालिक, विश्वनाथ कहा जाता है ना, तो वो जगत पिता बनते हैं तो बच्ची क्या बनेगी, क्या बनेगी ऊंचते ऊंचे? अरे जगदम्बा बनती है, सारे जगत की जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं उनके ऊपर कंट्रोल करने वाली बनती है या नहीं बनती है? बनती है, पहले नंबर में तो हो जाएगी। तभी बाबा कहते हैं ना, क्या कहते हैं, बच्चे जब आती हैं ऐसी बच्चियां है, कैसी बच्चियां जो पवित्रता को मेंटेन करने के लिए है, जान भी देने के लिए हाजिर हैं है, तो हम बोला अरे बच्ची तुम फिकर मत करो है, हाँ क्योंकि तुमको जो अगर विकार में भी जाते हैं तो तुम्हारी तो आशा अपने अंदर की नहीं है ना, मन की है, तुम्हारे दिल के अंदर ये चाहना है कि ये विकार भोगें और हमको सुख विकारी दें, नहीं है ना, जबरदस्ती तुम्हारे हाथ पांव बांध करके ऐसा करते हैं है, तो उनकी आशा है वो ही भोगेगा है, जो हिंसा करेगा वो उसका उजूरा इसी जन्म में भोगेगा या नहीं भोगेगा, और ज्ञान में नहीं चलता है तो एक गुना भोगेगा और ज्ञान में चलता है तो कितना भोगा भोगेगा, सौ गुना यहां तो बोझ चढ़ता है, तो तुम भोगेगी क्या, भोगेंगी तुम नहीं भोगेंगी। तो देखो उनको मारते रहते हैं, हाय राम हाय शिव बाबा हाय बाबा, हाँ है ना, उसमें हमको नगन करते हैं, किसमें, अरे भागवत में है, महाभारत में शास्त्र में लिखा हुआ है ना, द्रौपदी क्या कहती है, हमको नगन करते हैं, कोई भी नहीं बचाया, कोई नहीं बचाया, विद्वान पंडित आचार्य बड़ी पंडिताई गाड़ते हैं, बड़े बड़े भाषण करते हैं, उन्होंने आकर बचाया नहीं बचाया, सब नगन करते हैं, ये धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं, ये दुर्योधन दुशासन बैठे हुए हैं है, है, ये बड़े बड़े भीष्म पितामह, ये बड़े बड़े कृपाचार्य बैठे हुए हैं, इन्होंने बचाया, कोई नहीं नहीं बचाया, नगन करते हैं मारते हैं, दुशासन बाल खींच खींच करके पटकता है ना, खींचता खचेरता है, तो दिखलाया तो है ना शास्त्रों में, परंतु दिखलाया तो है, पर बातों को कोई मनुष्य
समझते थोड़े ही है। क्यों नहीं समझते? क्योंकि उन्होंने तो कृष्ण को द्वापर के अंत में कृष्ण भगवान को डाल दिया और द्वापर के अंत की बात बताई दी। ये थोड़े उनकी बुद्धि में है कि ये कलयुग के अंत की आदि के समय की बातें हैं कि कन्याओं माताओं को खास करके जो भारतीय कन्याएं माता हैं पवित्रता को मेंटेन करने वाली हैं, एक लिंग को झुकने वाली है, पतिव्रत धर्म को निभाने वाली हैं, तो उनके लिए ये बातें हैं कि ऐसी द्रौपदियों की रक्षा करने के लिए एक भगवान को ही आना पड़ता है। नगन होने से बचाते बचाते हैं कि नहीं? देखो फरुखाबाद में फतेहगढ़ में है, दो तीन कन्याओं को नगन किया, नगन करने के लिए कोशिश की, तो उनको बचाया या नहीं बचाया है? या वो नगन हो गई? नहीं, बचा लिया। अरे दिल्ली में भी वो उसकी अम्मा भी उसके साथ में और सारे जो पुलिस वाले वो भी उनके साथ में है और सब दबाव दे रहे हैं और ऑफिसरों ने दबाव दिया, रिश्वत देने वालों ने भी दबाव दिया कि उसको नंगा करो, लेकिन फिर बच गई कि रह गई? बच गई ना। हाँ, तो मनुष्य इन बातों को थोड़े ही समझते हैं क्या कि जो शास्त्रों में लिखा हुआ है द्रौपदी को नग्न करते हैं है? तो वो थोड़े ही समझते हैं, वो तो समझते हैं ये तो द्वापर युग की बात है। कहां की बात समझते हैं? हाँ, पास्ट की बात समझते हैं। ये नहीं समझते कि अभी कलयुग के अंत में भगवान आते हैं है? और कन्या माताओं के लिए खास आते हैं है? उनको है? बचाने के लिए। तो ये सब बंदर बुद्धि हैं, कुछ भी नहीं समझते हैं। और वो और ही लिखते रहते हैं। क्या लिखते हैं? वाह, ये क्या लिखा है? है? भारत की पत गवाते हैं क्या? भारत की पत तो तुम गवाए रहे हो क्या? विशेष भारत को, वो जो भारत भारत था, भा माने ज्ञान की रोशनी में लगा हुआ रहने वाला था। ज्ञान एक से आता है, अनेक मनुष्यों के ज्ञान में लगा हुआ नहीं, एक ऊंचे ते ऊंचे भगवान के ज्ञान में लगा हुआ वो सा जो ऊंचे ते ऊंचे भारत था, उसको विशेष तुमने बनाया है। क्या तुमने कैसे बनाया? अरे जो भगवान से ऊंची पढ़ाई पढ़ा वो कैसे विशेष बनेगा? क्योंकि भगवान ने उसको सिखाया। क्या सिखाया? कि बच्चे तुम्हारा ऊंचे ते ऊंचा लक्ष्य है क्या बनना है? है? पुरुष तन में आता हूं, मुकर्रर रथ में आता हूं, उसको भी लक्ष्य देता हूं, क्या बनना है? है? अरे परम पुरुष है, जो भी पुरुष हैं मनुष्य हैं, जो भी पुरुष हैं इस दुनिया में, सात दुर्योधन दुशासन, तुम्हें पुरुष नहीं बनना है, क्या बनना है? है वो परम ब्रह्मा है। ब्रह्मा नामधारियों में भी वो ऊर्ध्वमुखी ऊंचे ते ऊंचा ब्रह्मा सहनशील बनना है। तो बाप ने आकर के तो ऐसा सहनशील बनाया ना, तो वो सहनशील देव आत्माएं जो हैं, वो द्वापर युग में जाकर के भले द्वैत आदियों के बीच में जन्म लेती हैं, तो भी उनकी अत्याचार का मुकाबला करती हैं, है? मुकाबला करती हैं कि नहीं? हाँ, मुकाबला करती हैं। लेकिन कन्या माताएं मुकाबला करती हैं क्या? करती हैं है? कन्या माताएं थोड़े ही युद्ध करती हैं। तो उन कन्या माताओं को तुमने विशेष बनाया है। तुमने किसने? जो बुद्ध को भगवान मान लिया। मान लिया कि नहीं? हाँ, बुद्ध को भगवान मान लिया। क्या जो बुद्ध मुख से कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, उनके फॉलोअर्स भी ऐसे कहते हैं, अरे अहिंसा परमो धर्म की है झंडा ऊंचा बुलंद करने वाले, तुमने अपने बीवी वाले बच्चों को क्यों विदेशियों को सौंप दिया, हिंसकों को है? तुमने उनके साथ हिंसा की
हिंसा का व्यवहार कर दिया, जन जन मंत्र लिए दास दासी बना दिया, या उनको उनको अहिंसा के छत्र के नीचे उनको बचाया? नहीं बचाया ना है? तो तुमने विशेष बनाया है। किसने? जो उन विधर्मियों के प्रभाव में आकर के कन्वर्ट हो गए है, उनके लिए बताया। ये ऋषि मुनि सन्यासी सब उन विधर्मियों से कन्वर्टेड हुए पड़े। तुम अपने ऊपर क्यों नहीं कहते हो कि यहां यहां ब्रह्मा कुमारियों को आकर के क्यों दोष देते हो है? हिस्ट्री उठा के देखो, मनुष्यों के पास 2500 साल की हिस्ट्री तो है ना, वो उठा के देखो किसके संघ के रंग में आकर के ये 90% भारतवासी जो है वो विधर्मी बन गए, विदेशी बन गए, नास्तिक बन पड़े। ओम शांति।